अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी बटन बटन के एक्सरसाइज़ के हवाले से जिसमें हम उसके एम सी क्यूज क्वेश्चन और सिनम्स को डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बटन बटन के डेक्स को डिटेल के साथ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने उसको आपको सारा समझा दिया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए और फिर उसके बाद आपको ये देखने का फ़ायदा होगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को सुने और फिर इसके ऊपर आएँ अच्छा जी हम शुरू करते हैं इसके मल्टीपल चॉइसेस से एम से वियरड इन नॉर्मा पुरता लैम चॉप्स वो कहाँ पे रखती है इन द ब्रॉयलर अब अगर आपने वो पढ़ी होगी टेक्स्ट पढ़ी होगी तो आपको इनका आंसर फटाफट पता चल जाएगा क्योंकि हमने सारी टेक्स्ट पढ़ी है कुछ भी उसमें नहीं छोड़ा समरी की सूरत नहीं बताया टेक्स को डिसकस किया देर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉल वे सारे ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगी ताकि वक्त ज्यादा ज़्याया ना हो सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊँगी लेकिन आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं सारे ऑप्शन वेयर वाज द की टू वेल्व यूनिट डॉम कैप्ड इन दील्ड एंड वेल्ब वट वाज द रिवार्ड ऑफ पुशिंग द बटन ये तो सबको पता होना चाहिए फिफ्टी thousand dollars. What was the question of Norma that made Stewart embarrassed? What do you represent? कि तुम represent क्या करती हो बताओ तो वो फिर कहते हैं कि मैं एक company का ही नमाइंदा हूँ और वो company जो है वो international organization है आप उसके बारे में फिक्र ना मानना हूँ What could have happened by pushing the button? Push button को push करेंगे तो क्या हो गया? Some क्या होगा? Somewhere in the world someone uh, some unknown person would die. कि कोई ऐसा शख्स मरेगा जिस

वो कहती है अच्छा हो सकता है ये ना जो मतलब ये सारा बटन का सिलसिला कर रहे हैं कोई सरफिरा फिर मिलियनर हो करोड़पति हो और वो ये कहता हो कि कोई रिसर्च करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च बंदों का रिएक्शन क्या होता है कितने बंदे जो हैं वो अपने इमोशंस में आते हैं कितने अपने लालच में आते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं ये कोई रिसर्च होनी है मुझे नहीं लगता कि असल में कोई बंदा मरेगा तो ये नॉर्मा का स्टांस होता है वाई डिड नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कम्प्लाई विद द इंस्ट्रक्शन सेवर्ट वो कहता है उसके दो पॉइंट्स होते हैं कि वो उसको मर्डर करता है और उसके अलावा करता है कि कैसे शख्स को हम मार दें जिसको बेशक हम नहीं जानते लेकिन पैसों के लिए किसी शख्स को मारना बहुत ही घटिया बात है तो ये तो हो गया इसके कुछ एम सी क्यूज जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के एम सी क्यूज आएंगे या आ सकते हैं अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव क्यों समझती है वो कि उसकी टोन जो है वो ऑफेंसिव है ऑलरेडी इनफॉर्म एडम अब वो कहते हैं कि स्टीवर्ट ने उसको तो अपने विजिट के बारे में बता दिया था फिर भी नार्मा जो है वो कहती है मैं बिजी हूँ और ऐसे हूँ और ऐसे हूँ फिर वो ऑफकोर्स उसके जो रवैया उससे हर्ट हुआ था सो द टोन भी केम अब बिट अफेंसिव इसलिए उसकी टोन जो है वो ऑफेंसिव हो गई थी जिसको नारमा ने भी फील किया था वाई डिड ऑर्थर डिसर डिस एग्री विद हिज़ वाइफ पहले भी हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं तो वो इसको इमर्डर कंसिडर करता है वो इसको एक मर्डर कंसिडर करता है वाई डिड नॉर्मा हर हस्बैंड टू एग्री विद हर क्योंकि वो वो अपने विशेष को पूरा करना चाहती है वो एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती है वो एक आईलैंड के ऊपर वो जो है वो यूरोप का ट्रिप करना चाहती है वट वर द रीजन नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट हर ऑफ वही रीजन वो कहती है कि हम यूरोप का ट्रिप करेंगे हम आईलैंड पे कॉटेज खरीदेंगे हम बेहतर अपार्टमेंट ले, ले लेंगे बेहतर तरज जिंदगी हमारी हो जाएंगी अच्छे हम कपड़े पहना करेंगे Why did Mr. Pursuing, pursuing नार्मा? अब वो होता है, को है उसकी, उसको की तरफ से मिलेगा जितने ज्यादा बंदू को वो इसके अंदर लेके आएगा उतना ज्यादा उसको जो है वो कमीशन दिया जाएगा और वो जानता है कि औरत थोड़ी सी इस हवाले से होती है लालची इसलिए जो है वो उसको ज़्यादा परसू करने की कोशिश करता है वट वाज द मैसेज नॉर्मल रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन शी रिसीव अ कॉल फ्राम द लिनिकल हॉस्पिटल सम वन टोल्ड हर दैट ऑर्थर वॉज पुश्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ दिस अमाउंट दैट नॉर्मल गेट्स फॉर पुशिंग द बटन फिर वो कहते हैं कि वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि पच्चीस हज़ार डॉलर जो है वो उसके शोहर ने जमा करवाए हुए थे इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से और उसको वो डबल होकर मिलने थे

फिर उसमें जो है वो उसका ये अमल दखल होना कि उसने बटन दबाया और वो सारी जिंदगी का पछतावा भी उसके साथ ही रहा फिर है जी एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स को हम देख लेते हैं नॉर्मल रिप्रेस्ड और स्माइल रिप्रेस्ड क्या होता है जी चैक्ड मिस्टर स्टीवर स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव ऑफेंसिव का मतलब कि थोड़ी गुस्से वाली तो गुस्से वाली कौन सी होगी अनप्लैंग नॉर्मल चैलेंज इफ़ द बटन यूनिट वॉज वैल्यूएबल मेनेट्रोली मैंने आपको टेक्स को डिस्कस करते हुए बार बार बताया कि मोनेट्रोली का मतलब होता है फाइनेंशियली वो कहती है क्या इसका कोई मुझे माली फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं मायरा नॉर्मल चैलेंज इफ द बटन यूनिट वॉज वैल्यूएबल मोनेट्री चैलेंज का मतलब क्या होता है कि इंसान जो है वह कन्फर्मेशन चाहता है कि ऐसा है या नहीं है आतर आज दीवर इफ़ इट वाज अ प्रैक्टिकल जोक प्रैक्टिकल जोक मतलब कि कोई प्रैंक तो अ प्लेफुल ट्रिक है या फिर ये तुम सीरियस हो तो वो स्टीवर सेट दैट ऑफर वाज जेनियन अब जेनियन का मतलब क्या है कि रियल है फेक नहीं है रियल है लुकड इम्बेस्ड और वो एम्बेरस नजर आता है इसका मतलब है कि वो अपसेट नज़र आता है नॉर्मल आज आथ आथर इफ़ ही वॉज क्यूरियस वो कहती है कि क्या, वो वातरु कहती है कि तुम क्या क्यूरियस हो इस बारे में इंटरेस्टेड हो इस बारे में तो उसका मतलब क्या इंटरेस्टेड नॉर्मल आज आथर इफ द बटन यूनिट इन हिम कि उसने उसको मतलब इंटरेस्ट में डाला है या नहीं डाला उसको रिपेल किया या नहीं किया तो इसका जो है वो आ, जो क्वेश्चन जो जो सिनानिम है उसका आंसर क्या होगा कि इंटरेस्ट उसको है या नहीं है इंटरेस्टेड uh, बी इसका ठीक आंसर होगा नॉर्मल सेट दैट एन अंट्रिक मिलियन माइट बी डूइंग द ट्रिक ऑफ बटन्स तो वो कहती है कि हो सकता है एक, एक नॉर्मल करोड़पति तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा इंपल्सिवली नॉर्मल पिकड अप दम्पल्सिव मीन इंस्टिंगटिवली नॉर्मल जॉइंट आर्थर इन द एलिवेटर एलिवेटर लिफ्ट को हम कहते हैं दिस वॉज द प्रपोजिशन प्रपोजिशन मतलब प्रपोजल आर्थर लुक्ड इन इनक्रेडिलस ऑर्थर जो है वो इनक्रेडिलेस नज़र जो है वह आ रहा था तो इनक्रेडिलेस का मतलब क्या होता है डाउटफुल इस तरह ऑर्थर लुक्ड अस्टाउंड ऑर्थर जो है वो अस्टाउंड यानी कि स्टंट यानी कि हिरान हो जाना एंड ऑर्थर लुक्ड अपैल अपेल्ड का मतलब क्या होता है कि शॉर्ड हो जाना ऑर्थर वॉइस वॉज गॉडेड ऑर्थर की वॉइस जो है आवाज जो है वह बिल्कुल हमें ऐसी सुनाई दे रही थी जैसी कि के बहुत केयरफुल गॉड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना तो वो बहुत केयरफुल उसको सुनाई दे रही थी नॉर्मल थॉट द एट द मैटर ऑफ बटन वॉज रिटकलेस कहती है बिल्कुल ही हा, लॉजिकल हाँ 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 हालांकि वह सारा उसके पीछे भागती भी रहती है नॉर्मल थॉट द एट द फुल ओवर द बटन वॉज मीनिंगस एक्साइटमेंट कहती है एक्साइटमेंट इसके पीछे मीनिंगस है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे ज़्यादा दे नहीं रहा है ऐसा करने की नॉर्मल मेड अ कंटेप टू स्ना स्कॉन स्कॉनफुल कंटेम टू उसका मतलब होता है स्कॉनफुल नाइस तो ये थे इसके एम हमने इस वीडियो के अंदर इसके एम सॉरी ये थे इसके सिनोनिम्स हमने इस वीडियो के अंदर सिनोनिम्स एम और शार्प क्वेश्चन इस स्टोरी के डिस्कस किए सिनोनिम का मतलब होता है कि मिलता जुलता वर्ड जो होता है ना उससे जिनके जो है वो एक जैसे मीनिंग हो जैसे हैप्पी एक्साइटेड गुड इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक ही मीनिंग फ्राहम करती है नाइस हम इनको एक ही कैटेगरी में लेके लेस और मॉडर्न के जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जो है कुछ हमने इसके सिनोनीम्स डिस्कस किए एम सी क्यूज डिस्कस किए ज़ाहिर सी बात है कि ये सारे हम डिस्कस नहीं कर पाए इस शार्ट सी वीडियो में लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि वो शार्ट क्वेश्चन किस तरह के देगा एम सी क्यू किस तरह की देगा या सिनोनीम्स का क्या सी सिनोनीम्स को करने की ये ट्रिक है कि आपने जो है वो जुमले को अच्छी तरह रीड आउट करना है अगर आप जुमले के मीनिंग को समझ लेंगे जुमला क्या है तो उसके बाद जो है वो आपको उसका जवाब ढूंढना भी आसान हो जाएगा स्पेसिफिक वर्ड का जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अगर आप समझ आई है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा के देख लें बटन बटन के टैक्स का थैंक यू सो मच पाकिस्तान जिंदाबाद